अप्रोच रोड है तेलियातला, तो कहां से कहां तक क्या हुआ है उसका भी प्रोसेस देख, लेवलिंग के लिए ढलाई किया गया था वो तेजी से, जो पिचिंग का जो काम मशीन के द्वारा साफ सफाई, फरवरी को साफ सफाई हो रहा है। ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाते पीते होंगे। तो फिर से एक नए अपडेट के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं तेलिया तलाव के पास, जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे यहाँ बैनर में तेलिया तलाव। तो आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि पूरा जो मुंगेर साइड का अप्रोच रोड है वो कितना काम हुआ है और कहाँ से कहाँ तक क्या हुआ है काम। तो देख पा रहे होंगे कि उधर को जा रही है पटना साइड, और अभी जो हम लोग आए हुए हैं ये भागलपुर के रास्ते इधर से ही आए हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अप्रोच रोड का जितना जानकारी होगा उतना इकट्ठा करने के लिए। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा काम कर लिया गया है तेलिया तलाव के पास, और अभी हम लोग चलेंगे पुल के साइड, जैसे ऐसा रास्ता होते हुए चलेंगे, जाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस देख रहे होंगे कि आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि पूरा अप्रोच रोड का जो काम है वो कहां कहां तक हुआ है और कहां तक फाइनल अभी नहीं हुआ है। तो आज के ब्लॉग में हम लोग यही देखने को मिलेगा हम लोगों को कि काम कहां कहां हुआ है और कहां नहीं हुआ है। तो देख पाएंगे कि हम लोग तेलिया तलाव से अभी स्टार्ट किए और अप्रोच रोड से होते हुए ब्रिज तक चलेंगे, तो देखेंगे वहां तक कहां काम कितना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीताकुंड अंडरपास के पास। तो देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को हम बताए थे पिछले वाले ब्लॉग में जो साइड बैरियर का जो काम है वो भी किया जा रहा है। तो हर एक जो बोल सकते हैं जो अंडरपास है वहाँ पे सिर्फ अगर बचा हुआ है काम मिट्टी का, तो सिर्फ एक ही कारण से, वो है जो साइड बैरियर का जो काम बचा हुआ है, बस उसके कारण ही जो है पिचिंग अभी नहीं किया जा रहा है। तीन जगह जो अंडरपास का जो काम हो रहा है वहाँ। तो गाइस हम आप लोग को बता रहे हैं कि जो ये बैरियर का देख पा रहे होंगे काम किया जा रहा है, तो इसी के कारण जो पिचिंग का जो काम रुका हुआ है, जो पिचिंग अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है, तीन जगह सीताकुंड रोड अंडरपास हो गया और नया गांव से आगे और चखंडी के पास, ये तीन चार जगह जो है जो अंडरपास का काम बचा हुआ है वहाँ पे पिचिंग का जो नहीं काम हुआ है उसका सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है जो कि है जो साइड बैरियर का जो देख पा रहे हैं काम अभी तक नहीं कंप्लीट किया गया है। इसी कारण से अप्रोच रोड जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। कि इधर रेड मिट्टी का जो छिड़काव है, जो परत है एक साइड, वो किया जा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो हम लोग अभी और आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि अप्रोच रोड पे और क्या क्या किया जा रहा है लेवलिंग के साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। देख पा रहे होंगे जो हम लोग साइड से जाते थे तो वहाँ पे भी खोद दिया गया है। तो कारण बस यही है कि जैसा कि हम आप लोग को उधर बताए कि बैरियर का ही काम बचा हुआ है। अभी मुंगेर गंगा ब्रिज में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है जो साइड बैरियर का काम बस हुआ ही, उसी के कारण जो अप्रोच रोड है उसके कारण ही जो अप्रोच रोड है पिचिंग का काम वो डिले किया जा रहा है। इसलिए डिले किया जा रहा है कि ताकि जो इतने तक मट्टी जो भरिया किया गया है, जो बिना बैरियर कसे हुए अगर पिचिंग कर दिया जाएगा बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा पिचिंग ही टूट के ढह जाएगा। तो देख पा रहे होंगे काम नीचे का जैसे भी कर रही है काम। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो गाइस देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे कि जो पिचिंग जो किया जा रहा है तो उसे लेवलिंग में करने के लिए ये पुलिया पे भी काम किया जा रहा है ढलाई का। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे किया जा रहा है बहुत ही तेज़ी से। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पिछले वाले ब्लॉग हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे लेवलिंग के लिए ढलाई किया गया था वो भी देख पा रहे होंगे पूरा फाइनल कर दिया गया है। और एक साइड देख पा रहे होंगे कि लेवलिंग का जो काली मिट्टी का जो लेवलिंग होता है उसे किया जा रहा है। देख रहे होंगे कि बहुत ही तेज़ी से जो पिचिंग का जो काम है वो किया जा रहा है बहुत ही तेज़ी से। तो 11 फरवरी को
उद्घाटन है। तो लास्ट लेवलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लेवलिंग का जो मशीन है उससे लेवलिंग भी किया जा रहा है। तो बहुत ही खुशी का बात है जो कि इतना तेज़ी से काम देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से एक सप्ताह से बहुत ही तेज़ी से काम स्टार्ट कर दिया गया है, काम में जो है वो तेज़ी आ चुका है। तो बहुत ही बढ़िया का बात है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। जो अंडरपास का काम बचा हुआ है बस उतना ही काम अभी बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। देख पा रहे होंगे कि यहाँ मशीन के द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया की बात है। पिचिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है थर्ड लेयर का। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक कहाँ तक काम हुआ है पिचिंग का। उधर देख पा रहे होंगे गैस की ताज़ा बैरिकेटिंग जो किया गया है सीमेंटेड का, जो तो वही हो रहा है, देख पा रहे होंगे। तो इस साइड भी देख पा रहे होंगे कि जो मेटल वगैरह सब का काम है उसे भी किया जा रहा है, और साइड में जो बैरियर का जो काम है ढालने का वो भी किया जा रहा है। तो बहुत ही तेज़ी से नया गांव से चखंडी के बीच में बहुत ही तेज़ी से पिचिंग और साइड बैरियर का काम बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। आपको दिख जाएगा कि वेल्डिंग सब किया जा रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है। तो ऐसा सब काम जो है वेल्डिंग का पिचिंग का वो बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। हम बोल सकते हैं कि 3-4 दिन के अंदर ही बहुत ही तेज़ी आ चुका है काम में। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा अभी पिचिंग भी दिखाते हैं जो पिचिंग किया जा रहा है। तो गाइस देख पा रहे होंगे कि यहाँ से सेकेंड लेयर का जो पिचिंग है वो स्टार्ट कर दिया गया है नया गाँव से चखंडी के। और आइएगा आप लोग तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो गाइस देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक जो है वो पिचिंग भी कंप्लीट कर दिया गया है सेकेंड लेयर का, और हो सकता है कि आगे भी खींचा जाए। तो देख रहे होंगे यहाँ तक कर दिया गया है सेकेंड लेयर का। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पिचिंग कर दिया गया है और अभी और काम स्टार्ट ही है। देख रहे होंगे कि यहाँ पे मटेरियल ख़त्म हो चुका है, जिस कारण से अभी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया गया है। अब मटेरियल आने का वेट किया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन से पिचिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। देख रहे होंगे वर्कर लोग भी बहुत ही दिल से मन से काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये अप्रोच रोड का पिचिंग जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया दिखने को लग रहा है कि काम हो रहा है। पाएंगे कि रोड रोलर भी चल रही है, एक यहाँ पे एक पीछे चल रही है। इसके जो पिचिंग है वो बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। अगर बारिश ना हो तो बहुत ही बेहतर होगा, अगर बारिश हो जाता है तो सारा काम को रोक दिया जाता है, ठप हो जाता है। तो गाइस देख पा रहे होंगे कि चखंडी के पास भी जो अंडर पासिंग का जो काम बचा हुआ था मिट्टी का वो भी देख पा रहे होंगे बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। बस वेट था जो साइड बैरियर का उठना, वो भी 4 से 5 लेयर में उठा दिया गया है। और देख पा रहे होंगे कि इस साइड भी क्रेन चल रही है। गाइस माँ चंडी का स्थान जो अंडर पास है वहाँ पर भी देख पा रहे होंगे जो पुल और अप्रोच रोड जो है उसको लेवलिंग करने के लिए देख पा रहे होंगे कि मिट्टी को गिराया गया है। और ऐसा ऐसा जितना भी अंडर पासिंग का पास काम हो रहा है सब जगह बस बैरियर का काम बचा हुआ है, उसके बाद सिर्फ मिट्टी। अगर बैरियर कंप्लीट कर दिया जाता है तो मिट्टी का काम होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और पिचिंग होने में भी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं गाइस। इसकी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसा ही एक मस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।